हाँ भाई, जय श्री एलसी। मैं सुनील सोरान, मेरे साथ हैं यतेंद्र सर, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी शिका। गुरु नीति 180 वर्सेस 180। यतेंद्र सर, अच्छा रहा अभी तक का सफर। मतलब इन वीडियो ने अभी तक 26 अक्टूबर को चालू हुआ था ये प्रोग्राम, नो डाउट धमाल मचाया हुआ है यूट्यूब पर। बिल्कुल। तो बायोलॉजी का 25/90 रहेगा, 24 वीडियो बायोलॉजी के आपको मिल चुके हैं और इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में जो है बॉटनी और जूलॉजी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ ही इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अल्टरनेट डेज को आ रही हैं। और उसके अलावा जो जेई का स्टूडेंट है, आप मेडिकल के बच्चे हो, आपका कोई छोटा भाई बहन जेई की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए भी गुरु नीति जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक अल्टीमेट कलेक्शन है क्वेश्चंस का। जिस प्रकार यतेंद्र सर अपने 2016 में बायोकेम एक अलग ही ब्रह्मास्त्र बच्चों को दिया था, और उस बायोकेम के बेसिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017, 18, 19 और 20 नीट का जो पेपर है, ये 92% तक कंसेप्ट जो है वो अपने बायोकेम से मेजर करते हैं। और उसी की बदौलत सीएलसी का जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है उसके लाइन लगी हुई है 330 प्लस नंबर की। मतलब 360 में से 330 प्लस नंबर आना, ये यतेंद्र सर नो डाउट अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि सिलेक्शन आपका बायोलॉजी करवाएगी भैया और रैंक आपको जो है वो फिजिक्स दिलाएगी। ठीक है, तो बढ़े शुरू करते हैं। डाइजेशन के दो पार्ट आपको दिए हमने, रेस्पिरेशन के दो पार्ट दिए और सर्कुलेशन के एक पार्ट प्रोवाइड करवा दिया। ये सेकंड पार्ट रहेगा, इसी के साथ सर्कुलेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन उन पार्ट की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, आ जाइए। हाँ, पहला क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने से पूछा है भैया, लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का ही करेक्टर जी। लिम्फ इज फाइनली कैरिड टू दी वेन। और बच्चों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में बता दें, दो मेन थोरेसिक डक्ट हैं, लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो लार्जेस्ट कहलाती है, सबसे बड़ी होती है, और राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डायफ्राम से स्टार्ट होती है, छोटी कहलाती है लेफ्ट के कंपेरेटिवली। लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट यतेंद्र सर इस हैंड से आने वाली वेन जो है उसमें लिम्फ को पोर्ड करती है, रिलीज आउट। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जी, और राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट राइट हैंड से आने वाली सबक्लेवियन वेन में लिम्फ को पोर्ड आउट करती है, रिलीज आउट करती है। फिर वो सुपीरियर वेना के एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाती है। तो लिम्फ बना किससे, ब्लड से। कहां पे बना, टिश्यू साइट पर बना, जहां कैपिलरीज थी उन कैपिलरी से कुछ फ्लूड रिलीज आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया था, वहां से कलेक्ट होकर वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बना और फाइनली फिर ब्लड में ही गिर जाता है, वापस ब्लड में आ गया। बिल्कुल, तो ब्लड से ही बना था, ब्लड में ही गिर गया। क्लियर, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। ऑल वर्टिब्रेट हैव सिंगल हर्ट एनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, मतलब हाँ सिंगल हर्ट है और उसके बाहर की तरफ पेरिकार्डियम जो बिल्कुल विसरल और पेराइटल पेरिकार्डिया। बाहर वाली जो है वो पेराइटल है, अंदर वाली विसरल है, और इनके बीच क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें भरा हुआ फ्लूड पेरिकार्डियल फ्लूड। अगर ये था ऑल कॉर्डेट है सिंगल हर्ट, तब रॉन्ग हो जाता है, तब रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल, अपन सिफलोकॉर्डेट फाइलम है, ठीक है, उसमें हर्ट एब्सेंट होता है, बिल्कुल उसमें हर्ट की बात नहीं होती है। अच्छी इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट हो गया। Heart of fishes receive only venous blood which is pumped into the lungs। फिशेज के पास लंग्स, इसका मतलब फिशेज की बात करें यतेंद्र सर, तो organ हो जाएगा, organ से blood जो है वो कहाँ आएगा, organ से heart के पास में, heart के पास आएगा, और heart से कहाँ जाएगा, gills के पास में। इसका मतलब organ से deoxygenated blood कहाँ पहुँचा, heart के पास, heart से oxygenation के लिए कहाँ पहुँचा, gills के पास, और gills से direct कहाँ चला गया, organ के पास ही चला गया। इसका मतलब फिशेज के केस में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये ब्लड वापस लौटकर हर्ट के पास नहीं आता है, तो इसको सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहा। लास्ट टाइम अपने डिस्कस भी किया था, अपने डायग्राम बिल्कुल डायग्राम आया हुआ था कि हर्ट में जो ब्लड आया हाँ, जो बाहर गया ठीक है, इंप्योर ही होता है, इंप्योर ही होता है। तो रिसीव भी वेनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है, और पंप्ड भी कैसा कहला रहा है, हर्ट से वेनस ब्लड कहला रहा है, लेकिन ये किसके कारण गलत हो गया, लंग्स के कारण गलत हो गया, इनकरेक्ट अपने जो पूछा आंसर ये चला जाएगा। चौथा और देखें, रेप्रिडियल हर्ट इज एट्रियोवेनस हर्ट दैट शोज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल बात करें तो ये जैसे एट्रिया हो गए रेप्टिलियन हर्ट की, ठीक है, ये अपना एक कॉमन चैम्बर कहला गया जिसे अपन ने क्या बोल दिया, वेंट्रिकल कह दिया। वेंट्रिकल का डिवाइडेशन तो चालू हो गया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो
इस एट्रिया से ब्लड भी आएगा, इससे एट्रिया से ब्लड भी आएगा, मिक्स हो जाएगा ना? ये CO2 रिच कहलाएगा, ये O2 रिच कहलाएगा, और यहाँ आकर वेंट्रिकल में ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, तो रेप्टिलियन हर्ट एट्रियोवेनस हर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है दोनों ही ब्लड की, ठीक है, दैट शोज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और यतेंद्र सर, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर लूँ, तो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में जैसे इसी हर्ट को ही मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, तो ये CO2 रिच ही कहला रहा है दोनों में, ये O2 रिच ही कहला रहा है। तो ये वाला जो हर्ट का पोर्शन है, ये ब्लड को पंप करेगा लंग्स रीजन को, लंग्स रीजन, और ये पोर्शन ब्लड को पंप करेगा बॉडी सिस्टम को, सिस्टम। तो राइट पोर्शन ऑफ द हर्ट इज नोन एज पल्मोनरी हर्ट, और ये लेफ्ट पोर्शन जो है वो सिस्टेमिक। तो ये कंप्लीट हो गया, फिर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें मिक्सिंग भी नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये अच्छा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जी यतेंद्र सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इंक्रीज इंपल्स जनरेशन बाय एसए नोड, मतलब ऐसे नोड जो है उसकी एक्टिविटी को कुछ फैक्टर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता हो। जी जी, नॉट इंक्रीज, ये देखना है, ठीक है। तो जैसे हाई थायरोक्सिन लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है, क्योंकि थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक बात है, तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो टेकीकार्डिया मतलब हार्ट की एक्टिविटी का बढ़ना, बढ़ना, ब्रैडीकार्डिया मतलब डिक्रीज करना, बिल्कुल। फिर देखते हैं इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इसका इफेक्ट भी पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हार्ट की एक्टिविटी जो वो भी इंक्रीज होती है। डिस्चार्ज फ्रॉम वेगस नर्व, ये जो है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेडुला वाला जो पार्ट है उसमें दो सेंटर लास्ट टाइम अपन ने बताए थे, बिल्कुल, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्सीलेटर और इनहिबिटरी, और इनहिबिटरी सेंटर से जो पैरासिम्पेथिक नर्व के साथ वेगस जो है वो एसी नोड के पास आकर के एसिटिलकोलाइन रिलीज करती है, घटाने का काम करेगी हार्ट बीट को, जिससे एक्टिविटी जो रिड्यूस, ठीक है, और निकोटीन लेवल जो उसको इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा एडिशनली देखें तो कैल्शियम आयन भी इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा में अगर सोडियम और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो वो उसको डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज करेगा, बीपी को तो इंक्रीज करते हैं, हाँ, बीपी को इंक्रीज करेंगे, और हार्ट रेट जो उसको डिक्रीज करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, ये तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा नॉट इंक्रीज, इसका मतलब थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये डिक्रीज करवाता है, इंक्रीज करवाता। यहाँ एक चीज और बता दें बच्चों को, कि हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन जो है ब्लड में अगर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा इसका मतलब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हर्ट रेट जो है नो डाउट उसे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात यतेंद्र जी कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, अप्रोक्सीमेट 18 बीट पर मिनट जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने पर बढ़ जाती है, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, आपको याद रखना है। डिस्चार्ज फ्रॉम वेगस नर्व आपने बताया था पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच के साथ ये आता है, ये घटाने का काम करता है, बढ़ाने का नहीं करता। इंक्रीज इन निकोटीन लेवल, ब्लड में निकोटीन लेवल बढ़ेगा तो ये एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, मतलब ये उनको रिलीज बढ़ाएगा, एड्रिनल मेडुला को टारगेट करेगा, एड्रिनल मेडुला को ये टारगेट करेगा, और वो इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, और इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है भैया, हार्ट बीट को, एपिनेफ्रिन एसए नोड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बिल्कुल। तो ये जो निकोटीन लेवल है ना, इसके लिए आप याद रख लेना कि ये मेडुला को टारगेट करेगा, किसको, एड्रिनल, एड्रिनल मेडुला, मेडुला, ठीक है, और क्या रिलीज करवाएगा, एपिनेफ्रिन, तो यतेंद्र सर इस खूबसूरत सवाल के बाद अगले पर चलें। जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, क्वेश्चन नंबर 3, द ओपनिंग ऑफ विच ब्लड वेसल इज नॉट गार्डेड बाय एनी वॉल इन ए ह्यूमन बीइंग, जी ठीक है, ऑप्शन तो एक बार बाद में देख लेते हैं, पहले बच्चों को एक कॉमनली अपन बता ही देते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपना यतेंद्र सर ऊपर के एट्रिया बन गए और ये अपना वेंट्रिकल बन जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ओपनिंग जो होगी नीचे से जो आएगी वो इन्फीरियर वेना केवा है, आईवीसी है, क्यों, ऊपर से जो आएगी वो सुपीरियर वेना केवा कहलाएगी जी। और हर्ट जो है इसकी खुद की वॉल से एक ब्लड लेकर आएगी, कोरोनरी सर्कुलेशन जिसको, बिल्कुल कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब वॉल की अगर बात करें यतेंद्र सर, तो यहाँ एक वॉल पाया जाएगा जी, यहाँ एक वॉल प्रेजेंट होगा जी, यहाँ एक वॉल पाया जाएगा, तीनों जगह होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें यतेंद्र सर, तो ये कौन सा कहलाता है, यूस्टेकियन वॉल, यूस्टेकियन वॉल जी। किसकी ओपनिंग पर है यतेंद्र सर, ये इंफीरियर वेना केवा, एग्जैक्टली आईवीसी, ये क्या कहलाया, ये सुपीरियर वेना केवा, और इसकी ओपनिंग पर हेवर्सियन, हेवर्सियन वॉल, ह्यूमन में
डेवलप्ड नहीं होता है, क्वाड्रिपेड एनिमल में ज्यादा डेवलप्ड ये कहलाएगा, क्योंकि अपना तो इरेक्ट पोस्चर है ना, तो वापस बैक फ्लो होने का चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या कहेंगे इसे, हेवर्सियन, हेवर्सियन वॉल क्यों जी। और ये कोरोनरी सर्कुलेशन, ये फुला हुआ पार्ट कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्यों जी, कोरोनरी साइनस। और इसकी ओपनिंग पर जो पाया जाएगा थीबेशियन, वो थीबेशियन वॉल, थीबेशियन वॉल क्यों जी। अबे यहाँ की बात करें तो यतेंद्र सर आपको दोनों वॉल तो बता देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया था, तीन कस्प होंगे, हाँ, राइट साइड ए और एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, और यहाँ पर मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल। तो ये तो हो गया ट्राइकस्पिड और ये हो गया बाइकस्पिड। इसके अलावा सुनील जी, जो पल्मोनरी एओर्टा है और इसके अलावा जो एओर्टा है यहाँ पर मिट्रल सेमिलूनर वॉल, तो इसको तो कहेंगे पल्मोनरी सेमिलूनर, इसे कहेंगे एओर्टिक सेमिलूनर, ठीक है। और एक चेंबर अपना बच गया लेफ्ट एट्रिया, इस लेफ्ट एट्रिया में दो ओपनिंग और दो, हाँ, ये तो राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड पल्मोनरी वेन की, पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है, यहाँ पर कोई भी वॉल्व नहीं, नहीं पाया जाता है। तो एक बात तो ये याद रखनी है, यहाँ वॉल्व नहीं है, बाकी एट्रिया और वेंट्रिकल रेस्पेक्टिव साइड में कौन सा है, ट्राइकस्पिड इधर राइट में है, बाइकस्पिड इधर की तरफ है। और पल्मोनरी एओर्टा की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा है, पल्मोनरी सेमिलूनर, और यहाँ पर एओर्टिक सेमिलूनर। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं जी। ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द ब्लड वेसल नॉट गाइडेड बाय एनी वॉल, इसका मतलब पल्मोनरी वेन डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। इंफीरियर वेना केवा की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यूस्टिचियन। पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा कह दो, एक ही बात है, कौन सा सेमिलूनर, पल्मोनरी सेमिलूनर हो जाएगा, ठीक है जी। यहां पे एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन गया जी कि राइट जो एट्रियम है वो कितनी साइड से डीऑक्सीजनेशन इशू कर रहा है ना, वेरी गुड, शानदार। तीन जगह से, तीन जगह से, आईवीसी, एसवीसी और इसके द्वारा खुद हर्ट की वॉल से भी, खुद हर्ट की वॉल से भी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग यहां पर ओपन होती है। ओके बच्चों, ये भी नो डाउट, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत सवाल है सारे के सारे, मतलब सिलेक्टिव है, कोशिश की कि लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे उनसे थोड़ा अलग, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जो है वो सिंपली थ्योरेटिकल थोड़े से सवाल थे, आज थोड़े से कंसेप्चुअल है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हुए फिजियोलॉजी को और अच्छे से समझ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स पर यूनिट एरिया विद व्हिच ब्लड इज पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल व्हेन वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टिंग इज, मतलब कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये भी जो है सुनील जी लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल जी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सिस्टमिक आर्टरी के अंदर मूव करता है, तो जैसे ही ब्लड उस एओर्टा के अंदर आता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, बिल्कुल, और फिर वापस इलास्टिक रिकॉइलिंग की वजह से वो ब्लड आगे मूव करता है, जिससे सिस्टोलिक प्रेशर भी क्रिएट होता है, ठीक बात है, मैक्सिमम जिसको 120 mmHg अपन लोग ओके, तो उसके लिए है। तो सिस्टेमिक प्रेशर बोलेंगे नहीं यहाँ पर, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, बिल्कुल, प्रकुंचन का वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो सिस्टोलिक प्रेशर के कारण ऐसा हो जाएगा 120 जो एनर्जी मैक्सिमम। और यहाँ पर अगर बीपी अगर पूछता है तो वो बच्चों को पहले ही बता दिया अपने को, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक बताया, डायस्टोलिक बताएंगे, सिस्टोलिक 120 mmHg, डायस्टोलिक जो है 80 mmHg कहलाता है। और यतेंद्र सर ये जो एक्सपेंशन हुआ था ना, जैसे ये वेंट्रिकल अपन ने कहा जी जी, ऐसे ये वेंट्रिकल हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल मान लिया इनको अपन ने, यहाँ से एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, वेंट्रिकल जब कॉन्टेक्ट करेगा तो ब्लड इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो इसकी वॉल में एक्सपेंशन आएगा, इलास्टिक टिश्यू है, इसकी वॉल इलास्टिक टिश्यू है, ये एक्सपेंशन आएगा, अब ये ब्लड और आगे पहुंचेगा तो रिकॉइलिंग, इलास्टिक रिकॉइलिंग, तो एक वेव जनरेट होगा, और ये वेव जो है ये बॉडी की डिफरेंट आर्टरी की लेंथ के अलोंग पहुंचती है, बिल्कुल, इसे ही पल्स के नाम से जाना जाता है भैया। और पल्स प्रेशर भी फिर अपन बता सकते हैं 120 minus 80 ना, क्योंकि पल्स वेव के कारण महसूस हुआ ना, तो फुली तब तो प्रेशर 180 था, वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसका मतलब 80 mmHg हो गए, तो डिफरेंस कितना 40 mmHg, पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 40 mmHg। कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि पल्स को कहाँ मेजर किया जाता है, तो रिस्ट में पाई जाने वाली जो रेडियल आर्टरी होती है वहां पर इसको मेजर किया जाता है, क्यों, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर व्हेन, अब ये वेंट्रिकल फिलिंग की बात कर रहा है यतेंद्र सर, तो सबसे पहले तो मैं हर्ट का
मतलब ये डायग्राम तो आज अपने को बनाने पड़ेंगे। एक परमानेंट डायग्राम बना नहीं सकते यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में मूव करना पड़ता है अपने को, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं तो यतीन सर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ था ना, उस समय ये कस्पिड वॉल बंद हो गए थे, बंद थे, ठीक है। जितनी देर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी देर ये तो बंद है, ब्लड प्रोग्राम वॉल बंद है जी, है ना। तो यहाँ से ब्लड कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है यहाँ, और ये फिलिंग भी हो गई थी, हाँ ये एट्रियल फिलिंग यहाँ पर होती जा रही है जी। जो ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा, वेंट्रिकल आप रिलैक्स करना चालू करेंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू करेंगे, एवी वॉल खुल जाएगी। तो सबसे पहले तो सेमिलूनर वॉल बंद होंगे, साउंड आएगी, डब साउंड, ठीक है। उसके बाद और एक्सपेंड करेंगे तो अंदर का प्रेशर और घटेगा, तो कस्पिड वॉल जो है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड अचानक गिरता है वेंट्रिकल में। इसको रैपिड इनफ्लो के नाम से जाना जाता है। तो अपन बात कर ले किसकी, वेंट्रिकुलर फिलिंग की, वेंट्रिकुलर फिलिंग। और वेंट्रिकुलर फिलिंग की पहली स्टेज होगी यतीन सर कौन सी, रैपिड इनफ्लो, रैपिड इनफ्लो। इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली नियरली 70% वेंट्रिकल्स भर जाते हैं, 75 भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना वेंट्रिकल भर गया है रैपिड इनफ्लो के कारण, यानी सुनील जी बिना ओरिकल के एफर्ट लगाए, ग्रेविटी की हेल्प से, ठीक है, जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ गया, बिल्कुल। तो मैक्सिमम फीलिंग ही पूछा है ना आपने को, जी जी मैक्सिमम फीलिंग। और मैक्सिमम फीलिंग कब होगा, जब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है अभी, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कंडीशन में ही पाए जा रहे हैं जी, जी। तो वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों ही क्या हैं, रिलैक्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आना चाहिए, ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं आना चाहिए, वेंट्रिकल और एट्रिया रिलैक्स। और यहाँ पर बोल रहा है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब मैं दूसरी बात बच्चों को और बता दूं, रैपिड इनफ्लो के बाद एक स्टेज यतीन्द्र सर वो भी बनेगी, जिस रेट से ब्लड एट्रिया में गिरेगा उस रेट से इधर आएगा, उसी रेट से यहाँ, इसको डायास्टेसिस के नाम से, ये दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग है। डायापिडेसिस WBC का मूवमेंट था जिसके कारण वो कैपिलरी से लीकेज होकर बाहर आ गया या अंदर आ गया, ठीक बात है। और डाया ये वाला क्या कहलाता है, डायास्टेसिस, इस वर्ड को याद रखना, डायास्टेसिस। इसका मतलब है जिस रेट से एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं उसी रेट से वो वेंट्रिकल में गिरता रहता है। और ये डायास्टेसिस की जो स्टेज है ये अप्रोक्सीमेट 5% हाँ, इसमें 5% के आसपास इसकी बात की नहीं है, की नहीं, वो मैक्सिमम 75 और 25 इतना ही, क्योंकि रैपिड इनफ्लो के साथ डायस्टेसिस उन्होंने मिला दिया, इसलिए इसको कितना बोल दिया 75 कह दिया, ये 5% हो जाएगा। और फाइनली एट्रिया जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, बचा कुचा ब्लड भी यहाँ पर 25% में, हाँ 25% हम कह सकते हैं कि ओरिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल ओरिकुलर सिस्टोल की वजह से 25% फिलिंग वेंट्रिकल की और हो जाती है, इसीलिए जो है पी वेव 0.1 सेकंड के लिए, ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, मैक्सिमम तो वैसे चला गया, ठीक है। तो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए सिस्टोल की जरूरत नहीं पड़ी, या ज्यादा ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन के लिए ओरिकल की वॉल में डीपोलराइजेशन की नीड नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अब एक एडिशनल चीज यतीन्द्र सर और बताएंगे बच्चों को, बड़ा मजा आ रहा है आज, नो डाउट आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इसको। ये जब वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है उस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में ही है पूरा जी, जी। इसका मतलब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है, तो वेंट्रिकल के डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम यहाँ पर भरेगा उसे EDV कहेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, उसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। और EDV का जो अमाउंट होता है यतीन्द्र सर ये 120 ml कहलाता है, 120 ml, ठीक है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस 120 में से 70 वो बाहर भेज देंगे जिसको सिस्टोल वॉल्यूम कहेंगे। इसका मतलब है, इस EDV में से स्ट्रोक वॉल्यूम कितना चला गया, 70 ml चला गया। इसका मतलब है, वेंट्रिकल कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होंगे, 50 ml इधर और 50 उधर बच जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर अगर बात करें तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया। अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल के रिजल्टेंट जो वॉल्यूम बचा रह जाएगा, हमेशा बचा रह जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है ESV, कितना हो जाता है, 50 ml, 50 ml, क्यों जी, शानदार है, चले आगे। तो हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लिम्फेटिक सिस्टम इज करेक्ट, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए करेक्ट देखना, लिम्फेटिक वेसल्स है वन वे वाल्व होते हैं, जैसे वेन के अंदर होते हैं वैसे इनके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, क्योंकि नीचे से लिम्फ को ऊपर आना होता है ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी,
तो उसमें ये वॉल बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, तो होने भी चाहिए। और यहाँ पर दूसरा रीजन भी है कि वेन में जो है ब्लड लेस प्रेशर के साथ फ्लो होता है जी, और उसके कारण बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए भी वॉल पाया जाता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल टू जीआईटी, ये वाला जो ऐसा नहीं है कि लिम्फेटिक सिस्टम का ऐसा कोई टास्क नहीं होता है, क्योंकि ये तो सब्सटेंस को कहां पहुंचाएगा, वेन में, फाइनली ब्लड में पहुंचा रहा है, वेन के अंदर, वेन के अंदर पहुंचा रहा है जी। लिम्फेटिक कैपिलरी डायलेट ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलस, लिम्फेटिक जो कैपिलरी है सुनील जी, या कोई भी कैपिलरी हो, उनके अंदर स्मूथ मसल्स नहीं होती, ठीक है, और स्मूथ मसल जो है वो वेसल्स तक ही होती है, वेसल तो स्मूथ मसल अगर नहीं है तो वहां पर फिर वैसो डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि कैपिलरी की बात की है। ब्लड वेसल की अगर बात करते ना, तो तीन लेयर की बात कर लेता मैं, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। और कैपिलरी में केवल ट्यूनिका इंटाइमा या इंटरना ही प्रेजेंट होती है, जिसको एंडोथेलियम के नाम से जाना जाता है, मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, और मस्कुलर पार्ट इनका ट्यूनिका मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। फिर है लिम्फेटिक कैपिलरी आर लाइंड विद थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, तो कैपिलरी की बात वही बात हो गई, केवल इंटीमा है, बिल्कुल ठीक बात है, ये वाला भी रॉन्ग हो गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। अरे समझ रहे हो भैया, चले आगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7, टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ सेमिलोनर वॉल एंड ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल, बिल्कुल कार्डियक साइकिल बना देते हैं आपके सामने, बिल्कुल, और इसको 0.8 सेकंड के अकॉर्डिंग 8 हिस्सों में अपन ने बांट दिया, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 जी। ये तीन सर, इसको थोड़ा सा कलर अपन चेंज कर दें जी, बिल्कुल। तो ये सुने जी, इनर रिंग ओरिकल के लिए करते, हाँ, अंदर अंदर वाली छोटे होते हैं ओरिकल, ये कर दिया, आउटर रिंग वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल के लिए इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दें, या इसी में कर देते, ब्लैक से शो कर देते हैं, एक मिनट ब्लैक लगा दें, येलो साहब, ये फिर इसमें 0.3 सेकंड इनर हो गया, आउटर हो गया, इनर ओरिकल जी, और ये वेंट्रिकल कहलाते हैं, और जो शेडेड एरिया है वो सिस्टोल के लिए, और इस प्रकार का ब्लॉक अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन है जी जी, क्यों जी। अब अपन थोड़ी सी इसकी और बात कर लेते हैं, अब सुनील जी आपको ये एक्सप्लेन कर दे, एट्रिया कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं भैया मैं, ठीक है। पहली बात तो कार्डियक साइकिल के टाइम पीरियड की बात कर लें, तो कार्डियक साइकिल की अगर बात करें, तो कार्डियक साइकिल अपन बात करें 0.8 सेकंड ना, ये हार्ट बीट कितनी थी, 72 पर मिनट, पर मिनट जी, इसका मतलब इसको मैं 72 60 ये भी तो कह सकता हूँ, बिल्कुल, हाँ 60 मतलब सेकंड ना, हाँ 60 हाँ। सेकंड के लिए आ गए, 60 सेकंड हो गए जी, क्यों। अब अपन इसी को ही अगर क्या बोल दें कि कार्डियक साइकिल 1/हार्टबीट हो जाएगी जी, क्यों जी, और 1/हार्टबीट का मतलब 1/72/60 ये सॉल्व करें तो 60 ऊपर 60/72 इतना आ जाएगा 0.8 सेकंड, तो 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें एट्रिया के दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, दोनों एट्रिया के रिलैक्सेशन आ जाते हैं, दोनों वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंक्लूड हो जाते हैं, चारों चैंबर जो है 0.8 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, सारा प्रोग्राम नो डाउट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग अगर मैं यहां से मानूं, तो 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल, और उसके बाद की 0.7 सेकंड इस एट्रिया ने क्या किया, डायस्टोल किया, रिलैक्सेशन किया भैया, ठीक है। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए, याद करो अभी भी बताया था 25% फिलिंग और करवा दी, इसलिए ज्यादा लंबे टाइम तक जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा लंबे तक जरूरत नहीं पड़ी, जो ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल फुली भर गए हैं किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, अब वेंट्रिकल में क्या चालू होगा, सिस्टोल चालू होगा, इसका मतलब है 0.1 के एंड से कह दूं या 0.2 की स्टार्टिंग से, मतलब 0.1 से पॉइंट, मतलब 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड और 0.3 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली जो स्टेज है ना, ये वेंट्रिकल के सिस्टोल को दर्शाएगी जी, बिल्कुल। और वेंट्रिकल के सिस्टोल की बिगनिंग की बात करूं, तो कस्पिड वॉल क्लोज हो गए थे, मतलब एवी वॉल क्लोज हो गए ना, एवी वॉल, और यहां पर साउंड आती है लब साउंड, इसको इस प्रकार याद कर लें, वेंट्रिकल लबालब भर गए इससे ब्लड से, उसकी वजह से अब उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसकी वजह से कस्पिड वॉल बंद होंगे, लब साउंड आएगी, कॉन्ट्रैक्शन जो ही पूरा हो गया, तो अब क्या होगा, अब डायस्टोल स्टार्ट हो रहा है, डायस्टोल की बिगनिंग पर क्या हो जाएगा, अब सेमी लूनर बंद होगी, क्लोज होगी, सेमी लूनर बंद होने के कारण दूसरी साउंड आएगी, कौन सी, डब डब साउंड। ये तो एक कार्डियक साइकिल की कॉमन सी हमने बात कर ली।
अब टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर, सेमीलूनर क्लोज कब हुआ, दब साउंड के दौरान, इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर क्या बोल रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल की ओपनिंग तक की बात कर रहा है, नहीं नहीं क्लोजिंग की बात कर रहा है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल इसका मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये यहां पर बंद हो रहा है, तो यहां से चालू होकर यहां तक जाना है भैया अपने को, कितना हो गया पॉइंट, एक दो तीन चार पांच 0.5 सेकंड इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यतेंद्र सर अगर यही सवाल कैसा होता, टाइम इंटरवल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल एंड क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर, तो फिर स्टार्टिंग यहां से कर देते 0.3 से एंड यहां पर कर देते, इसलिए बहुत ही खूबसूरती है इस क्वेश्चन में भैया, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड, तो यतेंद्र सर ये जो तीनों कंडीशन एनसीईआरटी ने दी है इसका स्टेटमेंट बच्चों को एज इट इज याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन से यहां से देखिए सर, हां नीट में डायरेक्ट लैंग्वेज डायरेक्ट स्टेटमेंट भैया यहीं से ही उठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार बता देता हूं, हार्ट अटैक की अगर बात करें इसका मतलब तो ये हो गया कि हार्ट की वॉल को जो कोरोनरी आर्टरी ये ब्लड सप्लाई कर रही थी, इनमें क्या आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है, और ब्लॉकेज आ जाने के कारण कंप्लीटली हर्ट के मस्कुलेचर को ब्लड मिलेगा नहीं, कंप्लीटली नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है, हर्ट के जो टिश्यू है उसकी डेथ होना चालू हो जाती है, और इसकी वजह से एक पेन अराइज होता है जिसको एंजाइना के नाम से जाना जाता है, क्यों, तो ये तो बात होगी किसकी, हार्ट अटैक की। अब अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रह जाएगी, इसका क्योर नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, तो अब अगली कंडीशन क्या आएगी कि मस्कुलेचर को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो उसी टाइम मर गया था, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, डेथ ऑफ टिश्यू लगातार होने लग जाएगी, तो जो कॉन्ट्रेक्शन एबिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, इसको हर्ट फेल्योर के नाम से जाना जाता है, वो जो हर्ट है इतनी एफिशिएंसी से काम उस आदमी में नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो प्रॉपरली बीट नहीं होगा, तो बॉडी में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचेगा, डिमांड है एनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, तो इसके लिए तो आंसर तो ये वाला चला जाएगा जी जी। अब ये जो कंडीशन है इसके बाद अगली सीवियर कंडीशन आती है हार्ट अटैक, इसमें जो है सडनली क्या हो जाती है, बीट बंद हो जाती है, मतलब मान लो कंप्लीट ब्लड का फ्लो ही रुक जाए, कंप्लीट ब्लड का फ्लो ही नो डाउट रुक जाता है इसमें, तो ये कंडीशन कार्डियक अरेस्ट, आदमी की डेथ ही हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। और कार्डियक ब्लॉक की अगर बात करें तो जो कंडक्शन पाथवे है एस ए नोड से एबी नोड बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक आ जाएगा, रिदम जो है हर्ट की वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, फिर अपने चारों इनको एक्सप्लेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर, मतलब कार्डियक मस्कुलेचर की तरफ ब्लड जाए और वहां से वापस आए, ये कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। बच्चे इसमें कोरोनरी में और कैरोटिड में भी है ना कंफ्यूजन पैदा होता है, कैरोटिड सर्कुलेशन भैया वो है जो हेड रीजन की ओर ब्लड ले जाता है, वहां से वापस आए, ठीक है, तो वो कैरोटिड आर्टरी कहलाती है, ठीक है, और कोरोनरी का मतलब हर्ट में से जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से ब्लड को लेकर हर्ट के मस्कुलेचर को ब्लड दे दिया जाता है, क्या कहलाता है, कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। पोर्टल सिस्टम आपने देखा ही था पहले, लास्ट लेक्चर में समझाया था, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसका मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाना लंग्स को, और लंग्स से कहां पे आना, लेफ्ट एट्रिया में आना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। 10 जी, इन कार्डियक आउटपुट ऑफ 5400 ml पर मिनट विद 75 बीट्स पर मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर, तो अगर मैं यतेंद्र सर कार्डियक आउटपुट एक बार कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों को, ये एक्चुअल में दिखता पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट की अगर मैं बात करूं यतेंद्र सर, तो ये फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, क्यों जी जी। अब अपने से क्या पूछ रहा है, एसवी पूछ रहा है जी, एसवी पूछ रहा है ना, हाँ, एसवी का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट बीट आ जाएगा जी जी। कार्डियक आउटपुट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5400 ml पर मिनट दिया हुआ है, क्यों जी, और हर्ट बीट की अगर बात करें तो कितनी है, 75 बीट पर मिनट बीट पर मिनट, तो मिनट से तो मिनट चला गया, क्यों, ये 25 से गया 3 बार और ये 25 से चला गया 2 बार, 40 से 1 बार, 150 से 6 बार, 216 ये 3 216 से चला गया, 21 से गया 7 बार, 6 से गया 2 बार, तो 72 पर
बतर एमल आ गया, ये क्या कहलाता है इसका? अच्छा हाँ, तो ये अपना क्या कहला गया, 72 ml कहला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2018 नीट में, नीट में आया हुआ है बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट 11, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सुनील जी वो आपका PNCWBC है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस की लोब है वो मल्टी लोब्ड होती है। हाँ, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये ग्रैन्यूलोसाइट है और इनकी स्टैंडिंग जो है वो न्यूट्रलाइज है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में बात करनी, ये अपन ने बताया भी है मैक्रोपोलिस में है। हाँ, और फैगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करती है, तो फैगोसाइटिक सेल्स है ये, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल भी है क्योंकि न्यूक्लियस जो मल्टीलोब्ड है, और अबंडेंट अमंग टोटल डब्ल्यूबीसी 65% जो है टोटल डब्ल्यूबीसी का ये है। ये भी कह सकते हैं कि ब्लड की ये मैक्सिमम सेल है न्यूक्लिएटेड में, और वैसे मैक्सिमम इओसिनोफिल आरबीसी बन जाएगी, न्यूक्लिएटेड भी है मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल, आरबीसी जो है वो आपको पता है 5 to 5.5 million, ये इतनी हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दी चला जाएगा। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट, इसको बच्चे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्रेन्यूल अगर पाए जाएंगे तो ग्रेन्यूल ही वो स्ट्रक्चर है जो स्टेन के कलर को अपने पास रख लेती है। इसका मतलब तीन प्रकार की डाई, एसिडिक डाई, बेसिक डाई, न्यूट्रल। इसका मतलब तीन प्रकार की ग्रेन्यूलोसाइट होगी, आया ना जी। एसिडिक डाई से जो स्टेन हो वो तो क्या कहलाती है, एसिडोफिल या एसिडोफिल, एसिडोफिल क्यों जी, और बेसिक से हो तो बेसोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रल से हो तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ये कहलाती है, ठीक है। बाकी की दो बच गई, एग्रेन्यूलोसाइट कहलाती है जी। कौन सी, इसमें जैसे आपकी एनके सेल होगी, बिल्कुल नेचुरल किलर सेल नहीं, एग्रेन्यूलोसाइट में तो वो आ जाएंगी ना, एक तो मोनोसाइट आ जाती है अपनी जो मैक्रोफेज बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और एक जो है ये खुद डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइट है लेकिन लिम्फोसाइट इसका टाइप कहलाता है जी, और एक आ जाती है अपनी लिम्फोसाइट और दूसरी होगी आपकी मोनोसाइट। अब यहाँ पर परसेंटेज भी बच्चों को एक साथ ही बता दें यहाँ पर जी। हाँ, आगे मैक्सिमम की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल हो जाएगी 65% टोटल डब्ल्यूबीसी क्यों, और सबसे मिनिमम बेसोफिल होती है 0.5 to 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना भैया आपको, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रोफिल के बाद अगर बात करें तो अपनी कौन सी कहलाएगी, लिम्फोसाइट बन जाएगी, क्यों लिम्फोसाइट ये हो जाएगी अपनी 20 से 25% और उसके बाद जो है वो अपनी कौन सी बन जाएगी, मोनोसाइट बन जाएगी 6 to 8% क्यों, और वो 1 to 2 कह सकते हैं, और इसको अपन 1 से लेकर 2 या मैक्सिमम 3 तक भी जा सकते हैं 2%, चलो 2 ठीक, ये एसिडोफिल कहलाते हैं, ठीक है। या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यतिन सर बात करूं तो 2 से लेकर 3 बोला हुआ है जी, ठीक ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज, क्योंकि इसके ठीक अगले वाला क्वेश्चन परसेंटेज को लेकर ही पूछा है, और ये जो है सुनील जी नॉन स्पेसिफिक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, ये टिश्यू में के मैक्रोफेज में चेंज हो जाएगा बिल्कुल, और लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एक एनके सेल भी होती है नेचुरल किलर। हां, बी और टी लिम्फोसाइट तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है, लेकिन एनके सेल नेचुरल किलर सेल नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, नॉन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट सभी के अगेंस्ट ही वर्क करती हो, ठीक है। तो ये अपना ये क्वेश्चन बन गया, इसको अपन मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसके ठीक आगे वाला ये परसेंटेज ही पूछ रखा है। हाँ हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी ऑन डूइंग ए डीएलसी काउंट। डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भैया न्यूट्रोफिल होनी चाहिए, तो न्यूट्रोफिल सबसे पहला आना चाहिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है, न्यूट्रोफिल हो गया, फिर लिम्फोसाइट हो गई सुनील जी, लिम्फोसाइट हो गई, फिर मोनोसाइट हो गई, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, इओसिनो आ गया, और सबसे लास्ट में बेसोफिल, ठीक है फर्स्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 जी सर। आर्टिफिशियल पेसमेकर इज रिक्वायर्ड व्हेन, आदमी को आर्टिफिशियल पेसमेकर की नीड कब होती है, जब कंडक्टिंग सिस्टम में गड़बड़ हो ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर ना हो, मेकर बोल दिया ना इन्होंने, इसका मतलब पेस को बनाने वाला कौन, नेचुरली तो ऐसे नोड, तो ऐसे नोड में कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें, तो वो रिदम बीट में भी इरेगुलर होगी, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है ना, बिल्कुल ये तो कोरोनरी, ये तो प्लाक कहलाया था, आर्टरी में प्लाक, तो अगर ये अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, ऐसे नोड, ये दोनों आ जाएंगे इसमें, तो आंसर इसका फर्स्ट चला जाएगा।
ऐसे नोड में अगर डिफेक्ट है, ऐसे नोड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाएगा। ऐसे नोड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब हार्ट बीट जो है वो भी कैसी है, इररेगुलर कहला रही है, ठीक है, एरिथमिया कंडीशन कहला रही है, रिदम जो है वो गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन ईसीजी शोज एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्यूआरएस, और ये क्यूआरएस तो किसको बताते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाते हैं, ठीक है, इसका मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया ना, तो पर मिनट ये जो पीक आ रही है ये नंबर बढ़ जाएगा, और पर मिनट बढ़ जाने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए, हार्ट बीट बढ़ गई, जी जी, और इसे ये वाला कॉम्प्लेक्स ना क्यूआरएस, हाँ ये वाला, तो इसे ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ जाना ट्रैकीकार्डिया कंडीशन कहलाती है, हार्ट बीट घट जाना ब्रैडीकार्डिया कहलाती है। इसके लिए ये भी याद रखें, नॉर्मल तो कितनी कहलाती है, 72 पर मिनट कहलाती है, अगर ये लेस देन किससे 70 है ना, लेस सॉरी 60 पर मिनट आ जाए तो इसको ब्रेडी कहते हैं, और ये ग्रेटर देन 90 पर मिनट अगर चली जाए तो ट्रैकी, क्योंकि ये बीच वाला वेरी कर सकता है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के अनुसार, अगर नॉर्मली 60 से नीचे आ गया तो ब्रेडी है, 90 से ऊपर चला गया तो ट्रैकी है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये तो ब्लॉकेज की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वो है, बिल्कुल, और इस्कीमिया में जो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है, कम हो जाएगी हार्ट के मसलेकर, तो इस्कीमिया का मतलब तो है ब्लड सप्लाई कम हो जाना, और इंफ्रैक्शन का मतलब है डेथ ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, हाँ, जो कार्डियक अरेस्ट होता है सुनील जी वो इसी वजह से होता है, बिल्कुल ठीक बात है, डेथ ऑफ टिश्यू की वजह से। और यहाँ जब ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ये बनता है कि ना हार्ट बीट को अगर काउंट करना है तो वो किस पे किसको ईसीजी में किसको काउंट करेंगे, इस पीक को, क्यूआरएस की, जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे एक मिनट में उतनी हार्ट बीट होगी, क्योंकि इनको इजीली विजिबल किया जा सकता है, बाकी पी और ये जो टी है ना ये आसानी से विजिबल, अब इसका मतलब कि एक मिनट में अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसा आपने यहाँ बताया अगर वो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब टेकीकार्डी है, वो ट्रैकी कार्डी, एक मिनट में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर इतने हैं या इससे कम है तो ब्रैडीकार्डी, वो ब्रैडीकार्डी, बिल्कुल ठीक कहा। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following blood transfusion led to agglutination? Agglutination का मतलब हो गया clumping। मतलब agglutinin और agglutinogen का आपस में react करना, मतलब antigen antibody। हाँ, agglutinin की अगर बात करें तो antibody है। Antibody। हाँ। और agglutinogen मतलब antigen। बिल्कुल, ये important है। Agglutinin ये तो है antibody। जी। और agglutinogen ये antigen। ये एंटीजन हो जाएगा। अब जैसे एंटीजन में जन आ रहा है, इसमें भी एग्लुटिनोजन आ गया। वाह, वेरी गुड। तो एक ट्रिक बन गई अपनी, एंटीजन और एग्लुटिनोजन, ठीक है, एक ट्रिक बन गई। अब इसमें ये होता है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और इसमें जो है एंटीजन है ये, तो फिर अपन एक जैसे ब्लड वेसल बना देते हैं। हाँ, ये एंटीबॉडी है। तो जैसे ये आपने ये बताया, तो आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन आ गया और प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो गया एंटी बी। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर एक जैसी दिखाई देंगी तो फिर वो मतलब रिएक्शन हो जाएगी, और एक जैसी जो दिखाई देती है वो तो भैया जुड़वा कहलाते हैं, और जुड़वा जब भी पा लेते हैं जब भी पा लेते हैं मतलब एग्लुटिनेशन हो जाएगा। आया ना, इसका मतलब सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बी चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ पे एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए आ जाएगा, एंटीबॉडी ए होना चाहिए फिर यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एंटीजन ए और बी दोनों है तो फिर यहाँ पर एक भी नहीं चलेगा, यहाँ पर एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि ए और बी दोनों है, और यहाँ पर ए आ गया तो जब भी कौन सा पाएगा ए वाला, और बी आ गया तो जब भी कौन सा पाएगा बी। और अगर यहाँ पर एक भी एंटीजन नहीं है जैसे ओ के केस में, तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी आ जाएंगे, दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब है डोनर पॉजिटिव, इसका मतलब एंटीजन है इसके पास नहीं, कौन सा आरएच एंटीजन, और इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव का पॉजिटिव को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव का अगर नेगेटिव को दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो क्या है एंटीजन है, और यहाँ पर एंटीजन है नहीं, मतलब आरएच एंटीजन इसके पास नहीं है ना, नहीं है उसके पास, बिल्कुल। तो ये जो है ये ट्रांसफ्यूजन है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेड टू एग्लुटिनेशन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। बी पॉजिटिव अगर ए बी को दे देंगे तो देने वाले का क्या देखना है एंटीजन, लेने वाले की क्या देखनी है एंटीबॉडी। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जी, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो पॉजिटिव वाला बनेगा। अगर ये कह देता ए बी नेगेटिव, बताओ यूनिवर्सल, नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से ब्लड पॉजिटिव से नहीं ले सकता, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही देने वाले का क्या देखना होता है, एंटीजन देखना होता है,
ओ के पास अगर बात करें तो एंटीजन नहीं नहीं है इसके पास में, तो देने के वाले के पास अगर एंटीजन है ही नहीं तो सबको दे दो ना, क्या दिक्कत है? और क्यों भी यूनिवर्सल डोनर फिर ओ माइनस हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस को भी दे पाएगा माइनस को भी, क्योंकि एक ही बात याद रखनी है, देने वाले का देखना है एंटीजन और उसके पास एंटीजन नहीं होना चाहिए। ओके, एंटीजन नहीं होगा इसका मतलब सभी को दिया जा सकता है, मैं यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 16। हर्ट मुरमुर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, और ये जो आपके हर्ट के वॉल है इसमें अगर डिफेक्ट हो जाए उस वजह से ये साउंड क्रिएट होता है। बिल्कुल, और स्टेथोस्कोप से इसको जब सुना जाता है तो जैसे ये हर्ट की चेंबर हो गई, ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज इसका कहलाता है ये जो कस्पिड वॉल यहाँ पर पाए जा रहे हैं कम्प्लीटली बंद नहीं हो पाते हैं, इस प्रकार रह जाते हैं, इस प्रकार अगर रह गए तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा, और इस गैप से ब्लड कंटिन्यूअसली जो है उसका रिसाव होता रहता है, और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक सरसराहट की आवाज आती है जिसे हर्ट मर्मर के नाम से जाना जाता है, हर्ट वॉल में डिफेक्ट के कारण। 17, एक स्ट्रक्चर बता रखी है जी, स्ट्रक्चर को देखते ही पता लग रहा है, ब्रॉड ल्यूमन, इसका मतलब वेन है, वेन है जी, नैरो ल्यूमन आर्टरी, और ये कैपिलरी, क्योंकि यहाँ पर तीन वॉल है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वाली जो है ट्यूनिका मीडिया, और ये अंदर ही अंदर वाली ट्यूनिका इंटाइमा या इंटर्न जी, और यही इस तरफ हो जाएंगे ना, सेम सेम इधर हो जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, और कैपिलरी में केवल इंटाइमा ही पाई जाती है, एंडोथेलियम में प्रेजेंट होती है। अब क्या कह रहा है, थिक इलास्टिक टिश्यू, ए में थिक इलास्टिक टिश्यू, थिक वॉल इसमें है ना, थिक बिल्कुल, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया की वजह से डिफाइन होती है कि थिकनेस कितनी है, ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी होती है किसमें, आर्टरी में, तो थिक इलास्टिक टिश्यू, तो रॉन्ग हो गया इसमें, ये रॉन्ग हो गया, वॉल अब्सेंट बताया, वॉल होता है, ये गलत है, ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है, लो होता है, यहाँ पर कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हर्ट, तो ये तो सारे गलत हो, सारे गलत हो गए, उसको भी गलत कर दें जी। बी कह रहा है थिन इलास्टिक टिश्यू है, थिक कह रही है, ठीक है भैया, यहाँ पर वॉल प्रिवेंट बैक फ्लो, आर्टरी होते ही नहीं, ब्लड प्रेशर इज लो, हाई होता है, कैरीज ब्लड टुवर्ड दी हर्ट, नहीं अवे फ्रॉम हर्ट, तो इसके भी चारों मतलब जितने भी लिखे वो सब गलत हो, बिल्कुल। सी कह रहा है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, बिल्कुल सही बात है, कैपिलरी की बात हो रही है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंडोथेलियल, क्योंकि इंटीमा होती है, बिल्कुल, कंटेन अबाउट 5-7% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ये फर्क है, बिल्कुल, क्योंकि आर्टेरियल सिस्टम की अगर बात करें तो यहां पर एप्रोक्सीमेट 13% ब्लड होता है, वेनस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर एप्रोक्सीमेट जो है वो 64% ब्लड कंपोजिशन, आर्टरी प्रेशर जाए तो ब्लड तेजी से निकल जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी भी समय जैसे इस समय अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरा हर्ट पंप करना बंद कर दे, ठीक है, रोक लिया मैंने, जैसे वॉलेंट्री है ये, तो इस समय मेरी बॉडी की जो वेन्स है उसमें 64% ब्लड पाया जा रहा है, वेन की बात कर रहा हूँ, आर्टेरियल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर 13% ब्लड पाया जा रहा है, ठीक है, कैपिलरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कितना पाया जा रहा है, 5-7% है, और रिमेनिंग जो 16-17% ब्लड है वो कार्डियक का कहलाता है, हर्ट में कहलाता है, क्लियर? करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है अपने से, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली सी, इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 18 जी सर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए से डी तक अपने को देखना है और फाइंड आउट द ऑप्शन व्हिच करेक्ट फिल, ओके ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड कंटेन नियरली फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिल जी 45 हो गए, इसका मतलब ये तो बी तो गलत हो गया, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल की बात हो रही है, और न्यूक्लियस वगैरह का डिस्कशन नहीं, तो एरिथ्रोसाइट की बात करें, हां बिल्कुल, तो फिर एरिथ्रोसाइट चला जाएगा, इसका मतलब ये न्यूट्रो नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, और यहां पर हो गया आपका एरिथ्रो है ना, फिर सी में ए हेल्दी एडल्ट मैन ऑन एवरेज कंटेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत का पता करना है भैया आपने को, ब्लड प्लाज्मा इज स्ट्रोक कलर्ड, फीके रंग का होता है, विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ, बिल्कुल सही बात है, अपने को तो इनकरेक्ट खोजना है, फाइब्रिनोजन इन ब्लड प्लाज्मा नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है, एल्बुमिन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, सही है, बॉडी डिफेंस के लिए ग्लोबुलिन बताया था आपको, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, नहीं यहां पर होना चाहिए था प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर ये होना चाहिए था ब्लड का प्लाज्मा कंपोनेंट,
विदाउट क्लोटिंग फैक्टर ऐसे भी दे सकता है तो फिर वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। इसका मतलब आपने को इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्लड की जगह प्लाज्मा आना चाहिए था। 20 जी सर, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी इलेक्ट्रोड ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट आर अप्लाइड, ये लास्ट टाइम बताया, लास्ट बताया था, लेफ्ट राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल, एंकल पर हो जाएगा इसका, लेफ्ट ये राइट और राइट एंकल, इसका मतलब लेफ्ट राइट रिस्ट हो जाएगा, लेफ्ट एंकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statement ABCD और इसमें true और false का पता करना है। Leukocytes are colorless as they lack hemoglobin। बिल्कुल ठीक बात है, hemoglobin नहीं पाया जाता उसके कारण ये colorless होती है, true है। The most abundant nucleated cell in blood are neutrophil। ये कह रहा है nucleated। अगर नहीं बोलता nucleated तो फिर वो RBC हो जाता। तब फिर ये गलत हो जाता कि most abundant cell in blood are neutrophil, फिर गलत हो जाता। फिर वो RBC हो जाता। अब ये सही है। इओसिनोफिल कंस्टिट्यूट 6-8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, 6-8 है ना। इओसिनोफिल या एसिडोफिल की अगर बात करें तो 2-3% अभी बताया था इनको, तो ये गलत हो गया। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन के दौरान तो ये सीक्रेट होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये डेटा बिल्कुल तो ये फॉल्स हो गया। द टाइप ऑफ एग्लूटिनिन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ एबी ब्लड ग्रुप एज ए, एंटीबॉडी ए और एंटी बी ये दोनों होती, एक भी नहीं होती भैया यहाँ पर, उसमें आरबीसी के एंटीजन ए मतलब एग्लूटिनोजन ए और बी दोनों है। हाँ, आरबीसी पर एग्लूटिनिन मतलब एंटीबॉडी दोनों प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप के, इसका मतलब TTFF जी, TTFF कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। ये थोड़ा सा दिखा दे बच्चों को भैया, ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है इसका, समझ गए। नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 22, पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन, क्योंकि सुनील जी वेन और आर्टरी का जो पीएच है अगर देखें तो वेन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम से आ रहा है, तो सिस्टम मतलब टिश्यू से आ रहा है, तो टिश्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो अपने रेस्पिरेटरी में बताया था कि बाइकार्ब बनता है, बाइकार्ब CO2 की वजह से जो वेन है उसमें जो वेनस ब्लड है एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक मतलब पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, और आर्टरी में प्योर ब्लड है, अपने को पीएच ही पूछ रहा है, ठीक है, तो आर्टरी में तो पीएच क्या हो जाएगी, बेसिक मतलब ज्यादा, इसका मतलब मोर इन आर्टरी जी, और वहां पर लैशिंग वेन, तो सेकंड चल ये चला जाएगा। तो ये देख लेना कि अगर यहाँ पर एसिडिटी कंडीशन बात करता ना, तो एसिडिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो आर्टरी में तो एसिडिक कंडीशन कम है, लेस, और यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये पीएच की बात कर रहा है तो एसिडिक पीएच का मतलब तो क्या होता है, लेस पीएच कहलाता है, बस ये डिफरेंस है याद रखना है। सिस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू, ऐसा किसी के कारण होता है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ब्लड इज फोर्स इन टू आर्टरी ड्यूरिंग द सिस्टोल, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, क्यों, हाँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फिर ये एक फिगर दिया है और इसके अंदर अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को जो है आर ए जी, ये एल ए जी, एल वी और ये आर वी। अब इसमें क्या पूछा कि विच लेबल स्ट्रक्चर फर्स्ट रिसीव्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम बॉडी, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वजह से, ये वाली तो आंसर अपना थर्ड चला जाएगा, राइट एट्रिया वो रीजन है जो सबसे पहले क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का, उसके बाद जो करता है उसके नीचे वाला हो जाएगा, वो इसके नीचे वाला हो जाएगा। इफ ए पर्सन हैज टू चेंबर्ड हार्ट, एक एट्रिया है एक वेंट्रिकल है जी, विद वेना केवा एंटरिंग द एट्रियम, एट्रियम में क्या रही है जितेंद्र सर, वेना केवा ओपन हो रही है, एंड एओर्टा लीविंग द वेंट्रिकल, यहां से एओर्टा बाहर की ओर निकल रही है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, अब कह रहा है कि वेना केवा तो आ रही है, एओर्टा बॉडी सिस्टम को जा रही है, इसका मतलब ऑक्सीजनेशन का प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं, मतलब वेंट्रिकल से इंप्योर ब्लड टिश्यू के पास गया, टिश्यू से वही ब्लड वापस ओरिकल के पास आ गया, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, बिल्कुल गेंद बना के रख दिया, अरे भैया ऐसा नहीं होता है, चक्री थोड़ी है, चूल्हा थोड़ी है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए ऑक्सीजनेशन का कहीं प्रोग्राम नहीं हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन वुड रीच, नो ब्लड वुड रीच, ब्लड तो जा रहा है, नो ऑक्सीजन वुड रीच, एक मिनट, हां सॉरी, तो क्या हो जाएगा इसका, नो ऑक्सीजन वुड रीच द सेल, ये सही हो जाएगा, हां बिल्कुल, यही अपने से क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट जी, तो पहला ही भी देख चला जाए, नो ब्लड वुड रीच, ब्लड तो जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड वुड बी अनेबल टू कैरी फूड टू द सेल, फूड ले जाएगा, फूड तो जाएगा ही, देयर वुड बी नो ब्लड सर्कुलेशन, वो भी हो रहा है भैया, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा जी। चले 26, इन विच कंडीशन हार्ट बीट विल हायर, इसका मतलब है कि जब बॉडी के अंदर डिमांड ब्लड का पीएच कम हो जाएगा,
ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और ये एग्जैक्टली वही तो क्वेश्चन है कि अपन कुछ देर सांस रोक लेते हैं तो ब्रीथ करने की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल ऑर्गन आपस में रिलेटेड है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में कनेक्टेड ही है और मिलकर के वर्क करते हैं। बॉडी के अंदर अगर ब्लड में पीएच डिक्रीज हुआ है तो ऐसे ब्लड को हार्ट तेजी से लंग्स की तरफ पंप करेगा, तो लंग्स की तरफ ब्लड तेजी से जाएगा तो ऑक्सीजन ब्लड में आएगी और CO2 लंग्स की से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल, इसलिए हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वही अपने हार्ट बीट विल कम पड़ेगी हायर इन, तो पीएच के रिस्पेक्ट में CO2 कम नहीं होना चाहिए, CO2 कम नहीं, CO2 ज्यादा। अब कह रहा है पीएच कम मतलब एसिडिक, हां, और पीएच ज्यादा मतलब बेसिक, नहीं बेसिक सिचुएशन नहीं, तो आंसर सेकंड चला जाएगा, टेंपरेचर ज्यादा प्रमोट करता ही है और हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी अवेलेबल करवाने के लिए हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगा। अपन एक ये भी लिख सकते हैं CA+2 जो अभी बताया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 27 व्हेन आरबीसी आर वर्न आउट पार्ट ऑफ देयर कंपोनेंट आर रीसाइकल्ड व्हाइल अदर आर डिस्पोज्ड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की बात कर रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है ग्रीनिश पिगमेंट बिलीवर्ड इन, पहले तो यही पहचान करनी है आपको बिलीवर्ड इन ग्रीनिश है क्या सही है, बिलीरुबिन कैसा कहलाता है, येलो कहलाता है, पेल येलो कलर का, इज रीसाइकल्ड टू द बोन मैरो, नहीं ये तो डायरेक्ट कहां जाएगा, मतलब लीवर जो है इनको बाइल के थ्रू ड्यूडेनम में रिलीज कर ड्यूडेनम में रिलीज कर देगा। और रीसाइक्लिंग की बात करें सुनील जी, तो लीवर और स्प्लीन जो है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद में हीमोग्लोबिन का जो और हीम में जो है वो आपका आयरन अलग हो गया और ये पिगमेंट वगैरह अलग हो गया, पिगमेंट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया, ड्यूडेनम में रिलीज हो गई, और आयरन जो है वो ट्रांसपेरेंट से जुड़ करके स्प्लीन से लिवर के पास आता है, मतलब ट्रांसपेरेंट उसका ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और फेरिटिन से जुड़ के आयरन का स्टोरेज हो जाता है, ठीक है, और फिर वो आयरन रिसाइकल होकर के बोन मैरो के पास भी जा सकता है वापस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। रिसाइकलिंग इनकी नहीं होगी, पिगमेंट की नहीं होगी, पिगमेंट की रिसाइकलिंग नहीं होगी, इनकरेक्ट ही पूछा है आपने, इनकरेक्ट फर्स्ट हो जाएगा, क्यों जी। और ये कह रहा है आयरन इज कैरी टू द बोन मैरो, आयरन कैरी होगा और लिखा है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट करेगा, आयरन ट्रांसपोर्ट करेगा और फेरिटिन स्टोरेज करेगा, फेरिटिन स्टोरेज करवाएगा, ठीक है। बिलीवर्ड इन बिलीरुबिन इंपार्ट कलर टू द बाइल, बिल्कुल, येलो ग्रीनिश कलर कहलाता है इसका। मैक्रोफेज इन द लीवर एंड स्प्लीन डिस्ट्रॉय वर्न आउट आरबीसी, बिल्कुल, मैक्रोफेज स्कैवेंजर सेल कहलाती है और स्कैवेंजर सेल डेड और डेड सेल को जो है लीवर और स्प्लीन दोनों में ही मैक्रोफेज में ही आरबीसी। और यहां पर एक चीज और याद रखना ना भैया, मैक्रोफेज ऑफ लीवर इज नोन एज कफर सेल और स्प्लीन की क्या कहलाती है, रेटिकुलर सेल। लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे थाइमस की बात करें तो हैसल्स कॉर्पसल कहलाती है, ब्रेन की बात करें माइक्रोग्लियल सेल कहलाती हैं, लंग्स की बात करें तो डस्ट सेल के नाम से ये जानी जाती हैं, ब्लड की बात करें तो मोनोसाइट, ये मोनोसाइट जो 12 के मैक्रोफेज, बिल्कुल बिल्कुल। 28 लार्जेस्ट सेल इन ब्लड दैट लीव ब्लड स्ट्रीम टू बिकम मैक्रोफेज है ना, मोनोसाइट मैक्रोफेज में चेंज होती है, किडनी सेल न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक पर्सन विद इओसिनोफिलिया, और इओसिनोफिलिया वही मतलब कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन होगी ए ग्रेटर देन नॉर्मल नंबर ऑफ इओसिनोफिल, मतलब मोस्ट लाइकली नंबर बढ़ गया तो ये हो गया, क्यों, बिल्कुल, लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम, और इओसिनोफिल का नंबर कम पड़ जाता है तो एलर्जीज और इंटरनल पैरासाइट इस कंडीशन के दौरान नो डाउट बढ़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एनीमिया में क्या हो जाएगा, आरबीसी का नंबर घट जाता है, उसमें जैसे एस्केरिस इंटेस्टाइन में, हाँ, तो उसकी सरफेस के जो प्रोटीन है उस पे इओसिनोफिल ऐसे जुड़ जाती है और फिर उसके अंदर के जो लाइटिक एंजाइम है वो बाहर रिलीज होकर के इसका एक्स्ट्रा सेलुलर लाइसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है आपने, बिल्कुल। और ऑटोइम्यून डिजीज है नहीं, डायबिटीज के दौरान कोई रिलेशन इसका है नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद अदर, ठीक है, ऑड वन देखना है अपने को, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, ये तो फाउंड एलिमेंट है सारे के सारे जी, लेकिन सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, ये कहना मतलब ब्लड प्लाज्मा प्लस सेल्स, हाँ हाँ, और प्लाज्मा ब्लड माइनस सेल्स, बिल्कुल ठीक, और सीरम प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ हाँ, पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जी। 31 ए पर्सन विद एबी ब्लड वुड हैव एंटीजन की बात हो रही है, तो ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी, जैसा ब्लड ग्रुप वैसे एंटीजन जी, ऑन रेड ब्लड सेल एंड
एंटीबॉडीज कैरी इन नील नो प्लाज्मा नील नील नो एंटीबॉडी है ना ठीक है कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो क्या हो जाएगा ए एंड बी नाइदर एंटी ए नो ये आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 Erythroblastosis fetalis, also known as hemolytic disease of newborn भी कहलाता है, most often occur in, और ये erythroblastosis fetalis का आपको केस भी हमने बताया था, अगर फीमेल कैसी हो, फीमेल में इसके लिए क्या जरूरी है, कैसी होनी चाहिए, RH नेगेटिव होनी चाहिए, जी ठीक है, और फादर कैसा होना चाहिए इसके लिए, RH पॉजिटिव पॉजिटिव वाली कंडीशन, ठीक है, अब इनके फीमेल के बॉम्ब में जो बच्चा होगा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो अगर RH पॉजिटिव है तो कोई फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि RH पॉजिटिव बच्चे में क्या पाया जा रहा है RH एंटीजन RBC पे RH एंटीजन और एंटीजन क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लेसेंटा तो RBC के ऊपर है तो RBC क्रॉस कर ही नहीं पाएगा RBC क्रॉस नहीं कर पाएगा जब सुनील जी वो बच्चा पैदा होगा हाँ। तब प्लेसेंटा टूटेगी चांस बनेगा वहां पर तब बच्चे का कुछ ब्लड मदर के ब्लड में चला जाता है मदर उस एंटीजन के लिए इम्यून हो जाती है इम्यून हो जाती है मेमोरी सेल बन जाती है और एंटी RH एंटीबॉडी उस मदर के ब्लड में होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अब प्रेगनेंसी के वक्त मान लो फादर से ऐसा स्पर्म गया जिसमें RH फैक्टर भी गया है जीन की फॉर्म में ठीक है और बच्चे में एक्सप्रेस हुआ और वो सेकंड जो प्रेगनेंसी है उसमें भी RH पॉजिटिव बच्चा डेवलप हो रहा है ठीक है तो वो एंटीबॉडीज तो है ना मदर ब्लड बिल्कुल है और वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है एंटीजन RBC की सरफेस पर है इसलिए वो क्रॉस है क्रॉस करके फिर बच्चे के अंदर RBC का डिस्ट्रक्शन होगा और उसमें एनीमिया हो जाएगा स्टिल बर्थ हो जाएगी ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान फिर ये अनसेफ मैरिज कह सकते हैं बायोलॉजिकल कॉम्पेटिबल मैरिज ये नहीं हाँ। कॉम्पेटिबल की बात करें तो ये सही है रोग नहीं होगा लेकिन इसमें एक चक्कर हो रहा है अपने इनकम्पेटिबल कह दिया अब किसी की शादी हुई गई उसके बाद में डिटेक्शन हो गया तो भैया तलाक मत करवा देना उनका जाकर आप ठीक है ऐसा नहीं करवाना है उसमें भी वही इलाज है इलाज है पहली प्रेगनेंसी के तुरंत बाद एक इंजेक्शन दिया जाएगा इस फीमेल को बच्चे को नहीं कहीं बच्चे को ही लगा के बैठ जाओ हाँ। फीमेल को एक इंजेक्शन दिया जाएगा इंजेक्शन का नाम क्या है जिसमें NTRH जो एंटीडी इंजेक्शन जी बिल्कुल मतलब चाइल्ड बर्थ से जस्ट पहले भी कह सकते हैं और बाद में भी दिया जा सकता है बिल्कुल और या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं बिल्कुल मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे बर्थ के बाद में बिल्कुल ताकि मदर का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बने ठीक बात है तो जैसे ये सेफ मैरिज है अगर दोनों नेगेटिव है ये पॉजिटिव है मदर और फादर नेगेटिव है तब भी सेफ है और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी सेफ है लेकिन ये वाली कंडीशन ये वाली अनसेफ कंडीशन कहलाएगी मदर नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो अच्छा सुनील जी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टर है RH एंटीजन वाला अगर एक में भी प्रेजेंट हो गया ना तो सिंगल एलील ही एक्सप्रेस करेगी अपने आप को मतलब ये अगर ये कंडीशन है तब भी आदमी पॉजिटिव हो सकता है और इसमें भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ठीक है आपने तो अगर मान लो कि पहला स्पर्म जो है उसमें मतलब ये लिल गया तो वो पॉजिटिव मतलब मदर इम्यून हो जाएगी बिल्कुल सेकंड बेबी में ऐसा स्पर्म गया कोई इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल ऐसे और, हुए हुए। और कंडीशन अगर ये बन जाती है तो इसमें दोनों ही चांस बन सकते हैं कि बच्चा जो है वो भैया पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ पर और बच्चा जो है वो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकते हैं यानी जेनेटिकली ये कंट्रोल बिल्कुल बिल्कुल तो मदर कैसी RH नेगेटिव होनी चाहिए और दूसरा क्या है मदर कैरिंग फिटेस कैसे RH पॉजिटिव तो फिर क्या बन जाता है हीमोलाइटिक डिजीज बन जाती है क्यों जी जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33 विच ब्लड टाइप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज अननोन सो विच ब्लड टाइप इसका मतलब है किसी को भी दिया जा सकता है ऐसा ब्लड हो ऐसा ब्लड आंख मूंद करके वो ब्लड दिया तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर तो ए है वो ओ है ओ नेगेटिव अब ओ में भी पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव के पास तो क्या है एंटीजन है मैंने क्या कहा था देने वाले का एंटीजन देखा जाता है उसके पास एंटीजन नहीं होना चाहिए तो यूनिवर्सल बनेगा तो आंसर इसका ओ नेगेटिव चला जाएगा ओ नेगेटिव सबको दिया जा सकता है जी नेक्स्ट 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मस्कुलर चैंबर इन बर्ड हर्ट या हमारे तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाएगा क्योंकि यही सिस्टम में ब्लड को पंप करता है बॉडी सिस्टम में ज्यादा दूरी तक ब्लड को पंप करना है इसके लिए ज्यादा मस्कुलेचर होना जरूरी है 35 In which type of heart they are mixing of oxygenated and deoxygenated blood? इसका मतलब है मतलब कि two chamber में तो होगा नहीं फिशेज में क्योंकि उसमें auricle ventricle है क्योंकि उसमें तो totally venous blood ही है impure ही है अब three chamber की बात कर लें तो amphibia भी आ जाएगा reptile accept crocodilia order जी जी छोड़ दो crocodile को छोड़ना है अपने को इसका मतलब chamber और four chamber के अलावा हाँ mix होगा बिल्कुल बिल्कुल तो फिशेज में तो टू चैम्बर नहीं इसकी बात करनी नहीं है जी फ्रॉग में जो है वो थ्री चैम्बर चैम्बर मिक्सिंग होगा क्रोकोडाइल में मिक्सिंग होगा नहीं क्योंकि कंप्लीटली फोर चैम्बर है जी ऑल ऑफ दी वो होगा नहीं तो आंसर इसका
बिल्कुल ठीक बात है। एम्फीबिया में ये कंडीशन होती है, रेप्टाइल्स में 3.5 होती है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जी। क्वेश्चन नंबर 36 जी सर। प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड अच्छा प्लाज्मा में वाटर है, इसके अलावा भी कई कंपोनेंट हैं। बिल्कुल। मेटाबोलाइट हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर। इजी जी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37। इन नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर व्हाट डज 120 रिप्रेजेंट? अभी बता दिया सिस्टोलिक प्रेशर ये दर्शाता है। जी जी। तो मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय एन आर्टरी बिफोर प्रेस्टिंग। ना 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 ना, ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कंडीशन की बात हुई थी। द हाईएस्ट आइडियल आर्टेरियल प्रेशर फॉर समवन एट रेस्ट, रेस्टिंग कंडीशन के दौरान हाईएस्ट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 120 मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 120 लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, तो ये यतिंद्र सर अपने 37 क्वेश्चन थे, और इसी के साथ आपका फिजियोलॉजी का पार्ट 1 जो डाइजेशन रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन था, 6 वीडियो लेक्चर इसके हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। और अगर कोई बच्चा आज ही इसको देख रहा है तो भैया पहले के भी ये 5 पार्ट जरूर देख लेना, इससे ठीक पहले हमने जो है वो डाइवर्सिटी की बात की है, तो एनिमल डाइवर्सिटी वहां पर करवाई गई है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो है उस मॉर्फोलॉजी को भी बताया है, हिस्टोलॉजी की भी हमने वहां पर बात की है। इसके बाद अपन मिलेंगे अगले जो लेक्चर आएगा अपना गुरु नीति का, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोशन के साथ, मतलब लगभग हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्सिटी हो गई, टिश्यू हो गया, अर्थवर्म के बारे में बता दिया, फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इजाजत चाहेंगे आपसे, आज का लेक्चर नो डाउट ये दिन सर बहुत ही शानदार। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।